नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के ऐतिहासिक वेंकट भवन के पास एडवोकेट विजय मिश्रा, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा दी गई छूट में भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 28 दिनों से लगा रहा अनशन। उनका साफ तौर से कहना है, दोषियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं अनशन से नहीं उठूंगा। हमारी टीम ने विजय मिश्रा से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ इस समय। मैं आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा रीवा का ऐतिहासिक वेंकट भवन। वेंकट भवन के साथ आई लव माय रीवा, उसके ठीक नीचे आम आदमी पार्टी के विजय मिश्रा रीवा के प्रतिष्ठित एडवोकेट धरने पर बैठे हैं। लगभग एक महीने को होने को आए, आज इनसे बातचीत करूंगा धरने को लेकर। आखिर ये क्यों बैठे हैं पिछले एक महीने से कड़कती ठंड में, क्यों बैठे हैं धरने पर? ये विद्युत विभाग द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में और खासकर मैं रीवा में जो उदाहरण मिले हैं, लूट मार की जा रही है, फर्जी बिल के जरिए पैसा वसूला जा रहा है, इसके विरोध में हम धरने में बैठे हुए हैं। आप विद्युत मंडल पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपका कहना है कि विद्युत मंडल लूट मार कर रहा है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कैसे। ये आपको बता दें कि जिस प्रकार हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में 200 यूनिट तक फ्री योजना चलाई है, उसी की नकल करके यहाँ पे 150 यूनिट तक फ्री वो छूट देने का यहाँ प्रावधान किया गया, और 150 यूनिट तक वालों को छूट नहीं दी जा रही है। और आपको बता दें, यह छूट 150 यूनिट तक छूट दी जाती है, वो सब्सिडी जो कंपनी देती है वो शासन से लेती है, और शासन से भी इधर लिया जा रहा है और उपभोक्ता से दुगना लिया जा रहा है, मतलब सामान्य बिल से भी अधिक लिया जा रहा है। और जनता इसलिए दे रही है क्योंकि जनता जानती ही नहीं है, वो सोचती है कि ये जो कंप्यूटराइज बिल है ये सही होगा, वो कभी ये सोच नहीं सकती कि सॉफ्टवेयर भी गलत बना करके और उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। और हमारे पास ऐसे प्रमाणित पकड़ है जिसकी सूचना मैंने एक साल पहले से अमैया थाना में, जो अमैया एमपीबी आता है थाना अंतर्गत, रिपोर्ट करने के लिए दे चुके हैं। तो ये प्रमाणित पकड़ है, कोई झूठ नहीं है या कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। ये आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? हमने पहले तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमपीबी, फिर एसी, फिर सी, फिर मुख्यमंत्री, और फिर कमिश्नर रीवा संभाग, और अमैया थाने को लिखित दिए हैं एफआईआर करने के लिए, मतलब सभी लोग काम दे चुके सूचना। किसी तरीके से कहीं कोई आश्वासन? आश्वासन शुरू में केवल एमपीबी वाले अधिकारी आए थे उठाने के लिए, तो और कुछ पकड़ जो आए थे उनको ठीक किए यहाँ पे, और हमसे कहे कि अब पकड़ आपके इतने निराकर्ष कर दिए हैं, फुट जाइए। तो हमने कहा आपको पकड़ निराकर्ष के लिए नहीं, जो गलत बिल बनाए हैं उनके ऊपर एफआईआर की मांग है हमारी, एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर? आप क्यों बैठे? मैं विजय जी के समर्थन में बैठा हूं, क्योंकि विजय जी ने जो ये मुद्दा लिया है ये आम जनमानस के हित और कल्याण के लिए है। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि ये मुद्दा। नाम है आपको? राजेश कुमार चतुर्वेदी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट विजय, जिनका साफ तौर से कहना था मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने गलत सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग करके पूरे प्रदेश में लूटपाट कर रखी है, जिसकी इन्होंने लिखित में शिकायत रीवा से लेकर सभी जिम्मेदार लोग मुख्यमंत्री तक दी है, लेकिन अभी कहीं से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इनके यहां पर बैठने के बाद विद्युत मंडल ने जो भी शिकायतें इन्होंने दर्ज कराई थी उनका निराकरण कर दिया है। विजय मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है ये एक गंभीर प्रकरण है, पूरे प्रदेश में इस तरीके से समय समय पर लूटपाट की गई है। अगर बिल बनाने वाले, सॉफ्टवेयर को गलत ट्रीट करने वाले पर जब तक एफआईआर नहीं होगी मैं यहां से नहीं उठूंगा, जिसके चलते आज विजय मिश्रा 7 दिसंबर को बैठे थे, आज लगभग 28-29 दिन होने को आया है। अब देखना दिलचस्प होगा विजय मिश्रा यहां पर कब तक नजर आते हैं इस कड़कती ठंड में। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।